एक कविता है ब्रेस्ट और निराला। ये कविता जर्मन कवि और नाटककार बर्टोल्ड ब्रेस्ट और हमारे अपने अपने महाकवि निराला, उनकी उनकी एक काल्पनिक मुलाकात इसमें है। वो लोग कभी मिले नहीं आपस में, लेकिन इसमें इस कविता में मिल गए हैं वो। तो सपने में देखा कोई घर था, घर क्या टूटा फूटा सा कमरा एक, कुर्सियाँ रखी हुई थी बहुत पुरानी, बैठे थे उन पर बर्टोल्ड ब्रेस्ट और निराला, वैसे ही जैसे अपनी अपनी तस्वीरों में दिखते थे। निराला अस्त व्यस्त बालों में गहरी आंखें कहीं दूर देखती, ब्रेस्ट उसी गोल चश्मे में दो दिन की बढ़ी हुई दाढ़ी और आंखें जैसे काफी दुनिया देख चुकी हूँ। सुना रहे थे कविता एक दूसरे को, अभी अभी कुछ और सुनाओ कहते, दोनों बीच बीच में दुनिया के रंग ढंग पर अचरज करते। कहा ब्रेस्ट ने, मैं एक अंधेरे युग में रहता हूँ। राला बोले, मैं इसी अंधेरे का ताला खोलने को कहता हूँ। फिर कहा निराला ने, चारों ओर घना है दुख का जंगल। बोले ब्रेस्ट, में रहा खोजता इस दुख का कारण। निराला बोले, मैं लड़ा कुलीनों से, ब्राह्मण के घर के व्यंजन छोड़े, जो असली जन है समाज के महंगू और झींगुर जैसे, या इलाहाबाद के पथ की व मजदूरिन, उन पर लिखा जब मैंने, आलोचक बरसे मुझ पर, कईयों ने कहा मुझे पागल, मरा हूँ हजार मरण। कहा ब्रेस्ट ने, पूंजी और ताकत की निर्मम चालों पर मैंने भी कलम चलाई, उनके व्यवहारों को बारीकी से देखा, समाज की तलछट में रहने वाले मुझे भले लगे, साधारण की हिम्मत और अच्छाई को दर्ज किया, अत्याचारी से बचने की तरकीबें खोजी, कई देश बदले, किसी तरह बच गया मृत्यु और यातना शिविरों से, जगह जगह खोजता रहा शरण। कहा निराला ने, जनता की ही तरह कविता की मुक्ति जरूरी है। बोले ब्रेस्ट, जनता की मुक्ति में कविता बची हुई है। दो महाकवि गले मिले, बोले फिर मिलते हैं, सपने में जाते दिखते थे दोनों ऐसे, जैसे जीवन में साथ रहा हो बरसों से।